सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज है 1 अक्टूबर और आज स्पिटी राइड का आखिरी दिन है। मैं हूँ नरसिंहपुर में और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए भिलाई वापस। इरादा यही है कि आज उजाले में भिलाई पहुँच जाएंगे और फाइनली हमारी स्पिटी ड्राइव का समापन हो जाएगा। तो मम्मी, आखिरी दिन के लिए तैयार हो? एकदम तैयार। घूमने आने की खुशी थी, अब घर जाने की खुशी। 17 दिन हो गए हैं, घर की बहुत याद आ रही है मेरे को भी, मम्मी को भी। तो अब चलते हैं अपने घर। पहुंचने वाला हूं 17 दिन बाद। स्पिटी ड्राइव आज मेरी ख़त्म हो रही है। सबसे पहले तो दो ऑर्गेनाइजेशन जिनके बिना ये जो ड्राइव थी ये हो नहीं सकती थी, NHAI हाईवे अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। NHAI जो रोड्स मेंटेन करती है नेशनल हाईवेज इंडिया के सारे, मोर और लेस देखा जाए तो मुझे वो अच्छी कंडीशन में लगते हैं। एंड सेकेंडली BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्पिटी जैसी सड़कों को जो कि 6-7 महीने तक बर्फ से ढकी रहती हैं, ऐसी सड़कों को खोलना हर साल और उसको मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसी सड़कों को अगर BRO मेंटेन करती है तो हैट्स ऑफ टू देम एंड बिग थम्स अप टू NHAI। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बिना ये टूर पॉसिबल नहीं था। जो हमारा टूर था वो चालू हुआ था ठीक 17 दिन पहले, 15 सितंबर को। पहले दिन भिलाई से झांसी, दूसरे दिन झांसी से दिल्ली, तीसरे दिन दिल्ली से नारकंडा। नारकंडा में हमें थोड़ी ठंड लगनी चालू हुई, वहाँ पे हमारे शॉल, स्वेटर, मफलर ये सब बाहर आए। नारकंडा से अगले दिन चितकुल काफ़ी सुंदर था। चितकुल से अगले दिन निकल जाने वाले थे लेकिन थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से चितकुल में हमें एक दिन और रुकना पड़ा। नहीं, तबीयत क्या ख़राब हो गई, एकदम ठंडे मौसम में सिरविर को अच्छे से जरा बांध के रखना था, नहीं रखा तो हेडेक होने लगा, सिर दर्द होने लगा, तो इसलिए एक दिन और हम चितकुल में रुक गए। तो एक दिन और हम लोग चितकुल में रुके, एक तरीके से अच्छा ही हुआ। उसके पहले 4 दिन लगातार गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी थकान हो गई थी। उसके बाद चितकुल से अगले दिन निकले और पहुँचे नको। नको में नेहरू होम स्टे, ये तो मैं मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। जो नेहरू जी थे वहाँ पे, वो एक्चुअली उनका निकनेम है। मैं रैंडमली ऐसे चलते चलते सारे होम स्टेज देख रहा था, उनके होम स्टे में गया, सीधा मैंने उनके दरवाजे पे खटखटाया। वो जैसे ही बाहर आया उनका बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि मैंने सीधा उनका जो रूम था वो बुक करा लिया। और पूरी फैमिली इतनी अच्छी थी, उनके किचन में बैठे उनने एकदम फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया, तो आई थिंक वो हमारी बेस्ट मेमोरी थी। उसके बाद नेहरू होम स्टे से हम लोग अगले दिन निकले और पहुंचे तबो। तबो में ही मॉनेस्ट्री देखी, वहाँ पे एक टेंशन लिंक गेस्ट हाउस था, राकेश उसके ओनर थे, देहरादून से पड़े हुए थे, उनसे भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, वो भी काफ़ी अच्छे आदमी थे। फिर उसके बाद बड़े आगे मड एक बहुत रिमोट एरिया है, जनरली टूरिस्ट ज़्यादा जाते नहीं है वहाँ पे, बट मैं जाना चाहता था तो इसलिए मैं मड में गया, एक दिन रुका। एक नामखा होम स्टे था वहाँ पे, तो वो फैमिली थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा उनसे बात नहीं हुई, बट एकोमोडेशन बहुत अच्छा था, जो उसका व्यू था वो सबसे बढ़िया था। फिर मठ से निकले, काजा होते हुए हम लोग ने उसी दिन 3 जगह, कॉमिक जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पे है उसको एक्सप्लोर किया, फिर हिक्केम जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, एक चिट्ठी मैंने डाली अपने को, अभी जाके चेक करूँगा आई है कि नहीं, और लांगजा में बुद्ध जी की एक स्टैचू थी। वहाँ पे एक इंसिडेंट भी हो गया, वहाँ पे बुद्ध जी की स्टैचू जहाँ पे थी, मैं उस रास्ते पे ले आते मैंने गांव में कहीं दूसरी जगह गाड़ी डाल दी, और फिर मम्मी को कैसे लगा ये वो ही बताएंगी। इतना मतलब ऊंची थी वो पहाड़ी की, वो गाड़ी ऊपर चढ़ा दी और फिर लगा कि नहीं गलत आ गए, तो फिर वो नीचे वो टिल्टेड हो गई, मतलब कि मैं ऐसे पकड़े थी गाड़ी तो बिल्कुल टेढ़ी हुई जा रही थी, लेकिन अब क्या करती, बैठी थी चुपचाप की निकल तो जाएंगे, लेकिन निकल गए।
तो उस दिन मैं मठ से निकला था, हिकिम कॉमिक लांगजा होते हुए मैं वापस आ गया काजा। अगले दिन काजा से आगे बढ़ने का प्लान था, बट हम लोगों ने तय किया कि एक दिन काजा में भी रेस्ट ले लेते हैं, बिकॉज डेली डेली की ड्राइविंग, डेली डेली चलना फिरना मेरे और मम्मी के लिए, दोनों के लिए बहुत थकाने वाला हो गया था। तो हम लोग काजा में एक दिन रुक गए, बढ़िया मार्केट गए, घूमे घामे, बाहर खाया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर उसके बाद वापस आ गए। काजा से फिर चंद्रतल के लिए बढ़ने के लिए उसके पहले मैं रुका चिचम नाम की एक जगह में। चिचम में एक ब्रिज है जो इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर ब्रिज है, और ये ब्रिज 2001 से बनना चालू हुआ था और 2017 में बना, 16 साल लगे। वो ब्रिज इतनी हाइट पे है कि 10 में से 5 लोग जो ऊपर से देखेंगे उनको चक्कर आ जाएगा, मेरे को भी आ रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा देखा नहीं। तो हुआ ये था कि मैं काजा से निकला था, पहले तो मैं गया था की मॉनेस्ट्री, सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है, और की मॉनेस्ट्री के बाद मैं गया था किबर नाम का एक गाँव है, गाँव दिखने में बहुत अच्छा है, अलग अलग कलर के घर हैं, और किबर के बाद मैं गया था चिचम। मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा चिचम में, और हुआ यह था कि वहाँ पे ज़्यादातर गांव वाले अपने घर में लॉक लगा के चले गए थे की मॉनेस्ट्री। फाइनली बड़ी मुश्किल से एक मेरे को रूम मिला। हुआ यह था कि मैं जब उस रास्ते पे जा रहा था तो एक अंकल मिले थे, बोले थे मैं भी वहीं से निकला हूँ, आपको नहीं मिले तो मेरे घर में रुक जाना, मेरा होम स्टे है। तो उनके घर में मैं गया, उनका बेटा मिला, और उनका जो घर था एक्चुअली सबसे टिपिकल घर था, पुराना मिट्टी का बना हुआ घर था, और वो जो लेडी थी उस घर की बहुत क्यूट थी, बार बार हमें चाय पिला रही थी कि बहुत ठंड है चाय पी लो, मैं तो चाय पानी की तरह पी लेती हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छा लगा होम स्टे में। चिचम से निकले और अगले दिन था चंद्रतल जाना। चिचम से जैसे ही निकले एक रोड काजा मनाली रोड में कहाँ जाके कनेक्ट हुए, वहाँ तक रोड बढ़िया थी, उसके बाद ख़राब रोड चालू हुई, फिर काजा मनाली रोड का स्वाद आना चालू हुआ। तो जब पहुँचे वहाँ चंद्रतल के पास में 2:30 बज गए थे, वहाँ हम लोग 2-3 घंटे रहे, और आई थिंक चंद्रतल इस पूरे टूर की सबसे खूबसूरत जगह थी, बहुत सुंदर जगह थी। आई थिंक वो देखने बहुत लोग बहुत दूर से आते हैं अकेला चंद्रतल को देखने, और वो पूरा वर्थ है। चंद्रतल बहुत खूबसूरत था, और उसके अलावा टेंट में रहने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और वो भी बहुत अच्छा लगा। लोगों ने डरा दिया था लेकिन कुछ नहीं, ना ऑक्सीजन की कमी थी, ना ऐसा ठंडा बहुत था। टेंट जब बंद कर लेते हैं और अपन ओढ़ के सो जाते हैं तो वो तो गर्म ही लगता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो अच्छे से हम टेंट में रहे। चंद्रतल का जो खाना था वो उस टाइम, हम लोग एक यूसी कैंप में रुके थे, वो खाना बेस्ट था। रोटी, एक दाल, सब्जी, एक सब्जी और चावल, यही था, लेकिन कुछ था उस खाने में, इतना स्वाद आया कि बस मज़ा आ गया। तो चंद्रतल ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद था सबसे बड़ा दिन चंद्रतल से लेके मनाली, सबसे ख़राब रोड्स यहाँ आनी थी, बहुत सारी क्रॉसिंग्स थी वहाँ पे, वाटर क्रॉसिंग्स, बड़े बड़े पत्थर, सिर्फ पानी हो तो भी नेगोशिएट किया जा सकता है, सिर्फ पत्थर हो तो भी नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि बड़े बड़े पत्थर थे और उनके ऊपर पानी था, तो जब पानी होता है तो अंदाज़ लगाना मुश्किल होता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी कई जगह नीचे से टकराई, मैंने छोटा दर्रा सुना हुआ था उसको पार करना बहुत मुश्किल है, थैंकफुली दिक्कत हुई पर ज़्यादातर जगहों से गाड़ी पास हो गई, बस एक जगह गाड़ी जाके फंस गई, और वो जगह एक इंक्लाइन पे थी, ऊपर बहुत सारे पत्थर थे, और वो मेरे को देख के समझ आ गया था कि छोटी गाड़ी का वहाँ से पार होना बड़ा मुश्किल है। बट जैसी गाड़ी वहाँ रुकी मैं सोच पाता कि क्या करना है, उसके पहले 8-10 लोग आसपास से आ गए, बाय द टाइम मैं सोच पाता कि मुझे करना क्या है, 8-10 मदद करने वाले आ गए, उन्होंने मेरी गाड़ी पार लगा दी। धक्का मार, मैं तो वो 8-10 लोगों को देख के ही मुझे लग रहा था इतने लोग हैं तो वो तो गाड़ी तो निकाल ही देंगे ना, और वही हुआ, तो गाड़ी निकल गई। हाँ, मेरे को बस ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल चैम्बर या कुछ फट जाए। वो ऐसी जगह जहाँ आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो गई ना आपको कोई मैकेनिक मिलेगा, वहाँ से आप टो करके गाड़ी नहीं ले जा सकते, बिकॉज वो टेरेन ऐसा है कि कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को टो नहीं कर सकती। तो अगर ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आपको अपनी गाड़ी वहीं पे छोड़ के आनी पड़ेगी और आप कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी गाड़ी शानदार तरीके से वापस अपने घर आ रही है। बेचारी मेरी गाड़ी नीचे से काफ़ी पिटी लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेरे को पहुँचा ही दिया, रोहतांग पास पहुँचा। रोहतांग पास का बेहतरीन माहौल था, ऐसा लग रहा था मैं बादलों के बीच में हूँ, बढ़िया घूमा घामा, उसके बाद पहुँच गया मनाली। मनाली से फिर मैं आया अम्बाला, उस दिन ट्रक का बहुत ट्रैफिक था, अम्बाला से फिर मैं आया नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर से अपने घर पहुँच रहा हूँ। तो मेरा जो टूर था वो फाइनली सक्सेसफुली ख़त्म हो रहा है, मुझे खुशी है कि मैं और मम्मी पूरे हेल्दी तरीके से वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं ऐसे कई सारे ट्रैवल वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आपको नहीं पसंद आया तो कमेंट करें कि आपको क्या पसंद नहीं आया।